शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यार हम लोग एक ही शहर में रहने वाले, एक ही दिल में रहने वाले और एक दूसरे से इतनी दूर। यार मैंने जब से शादी की तू पहली बार मेरे घर पर आ रहा है। यार दस और फेर यार। चानू, चानू। हाँ हाँ आई। देखो कौन आया। अरे धर्म पत्नी जी, समझाओ अपने मेहमान को, ये यहाँ आने के लिए राजी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर में कदम रखेगा और इस घर की किस्मत ही बिगड़ जाएगी। अच्छा राम, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर लॉन में बैठ कर आराम से चाय पियेंगे। मेरा यहाँ ना मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है। आपकी मजबूरी और मर्जी क्या है मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक बार किसी का घर टूट जाए तो फिर वो कभी जुड़ता नहीं। जो लोग खुद अपनी मर्जी से टूटकर बिखर गए हो, वो किसी का घर तोड़ने की नहीं, जोड़ने की तमन्ना लेकर जीते हैं। जाय साहब। कौन है ये भिखू चाचा? बड़ी दर्द भरी कहानी है इस बेचारे की, राम बाबू तो सब जानते हैं। यार राम, कौन है ये आदमी? अरे छोड़ना यार, क्यों गुजरी हुई कहानियों को छेड़ना, तू बैठना। लो बैठ गया, अब बता। अरे बताना यार। इस बेचारे की एक बीवी थी जिसे भागलों की तरह प्यार करता था। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी शानों को करते हैं। अच्छा फिर बता क्या हुआ। फिर अचानक उसे पता चला कि, अरे छोड़ना यार, क्या बेकार की बातों में उलझ रहा है तू। इतना सस्पेंस है ड्रामे में और तू बोलता छोड़ना यार। अरे बताना क्या हुआ उसकी बीवी को। शादी से पहले उसका कोई चाहने वाला था। क्या बकवास कर रहा है, बीवी का चाहने वाला? कौन था वो चाहने वाला बताना यार। बड़े दुख की बात है बाबूजी, वो कोई और नहीं, उसका अपना करीबी दोस्त था। ये कैसे हो सकता है शानू? और क्या बीती होगी उस बेचारे पर जब उसे पता चला होगा कि जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है वो किसी और की चाहने वाली है। राम तुम सोच सकते हो आदमी किस मिट्टी का होगा जिसने अपनी दोस्त की बीवी के साथ प्यार किया और अपनी जुबान से अपनी मोहब्बत का राज तक नहीं बोला। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मगर मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे तुझ जैसा दोस्त मिला और शानो जैसी बीवी। अवतार बाबू आपका फोन, मैं अभी आया। वड़कम वड़कम सर, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग अम्मा, सब ठीक ना जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आया गुस्सा नाक को, पहले हमको बैठने को बोलो ना जी। ऐसा का काम में हमको बैठने को कोई नहीं बोला था जी, बनाम को तो बैठता लाइक का ऐसा। चले जाओ यहाँ से वरना मैं तेरी। तेरा क्या जी, उधर हमारा गाड़ी खड़ा ना जी, जरा गाड़ी को देखो, गाड़ी का बाहर चौकरी को देखो। अम्मा तुम भी चौकरी को देखो ना जी। जाना जी
अम्मा हमारा चौकरी फोन किया तुम्हारा मर्द को, उधर हमारा चौकरी तुम्हारा मर्द से चार बात करेगा, इधर हम तुम दोनों से दो बात करेगा, यो लेटो हमको तुम दोनों का बारे में सब कुछ आकर तुम्हारा मर्द सुनेगा बिग प्रॉब्लम, हमको तुम्हारा तुम्हारा दोनों का लपड़ा मालूम, ब्यूटीफुल लपड़ा, पर हम बोलेगा नहीं जे चे 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 नहीं बोलेगा, किसी का घर तोड़ कर क्या फायदा, इधर तुम्हारा घर टूटेगा उधर तुम दोनों का फ्रेंडशिप टूट जाएगा, हम नहीं बोलेगा, इसलिए अम्मा हम तुमको जरा तीन मिनट का टाइम देता सोचने को और फैसला करने को, नहीं तो अम्मा बहुत बड़ा घोटाला करेगा। अम्मा कल 6 बजे अम्मा तुम्हारा काला बंगले पे वेटिंग होना, फैक्ट्री और जमीन हमारे नाम पे करके कागज पे साइन करके तुम आना, यॉक वनकम वनकम गुस्सा का तोड़ा नीचे को होना जी। अम्मा 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 आयो आयो अम्मा वाह या अम्मा दो तो भी टाइम का इतना पक्का नहीं होगा जितना कि हमारा अम्मा वाह माँ। ये ले तुम्हारी पेपर्स, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है, आइंदा मेरे और अवतार की जिंदगी के बीच अपना ये मनु साया मत लाना। आयो आयो हमें नहीं दिखाएगा जे अम्मा कमीना भाई मार का नकीना, लेकिन अम्मा क्या किया हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड हम नहीं दिखाएगा, तुम घर जाके आराम से सोना जाओ, नहीं दिखाएगा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, क्यों नहीं करेगा करेगा, क्या के ठंड का मौसम ना थोड़ा आग लगाना बहुत जरूरी, आग लगाएगा मजा लेगा। हेलो अवतार स्पीकिंग। हाँ अवतार हम गुंडा स्वामी बोलता जे। हाँ बोलो। एक बहुत बड़ा राज का बात तुम्हारा वाइफ के बारे में बोलना चाहे। वाइफ के बारे में? ना ना फोन पे नहीं चाहे, बहुत तो सीरियस प्रॉब्लम तुम्हारा वाइफ के बारे में, एक काम करो तुम अभी इसी वक्त हमको नानावटी बंगले मिलो। हेलो इसको बोला था आग लगाना। गुंडप्पा स्वामी मैं तेरी आग लगाने से पहले तुझे बुझा दूंगा। हट।
गुंडा स्वामी, अरे कोई है गुंडा स्वामी? हाँ गुंडा स्वामी, तुम्हारा बीवी मत चलन है, उसका प्रेमी प्रेमी। गुंडा स्वामी, अवतार, अरे अवतार, आई एम वेरी सॉरी, जो टाई तुम कल पार्टी में पहनने वाले थे ना, इसमें एक दाग लग गया है, तुम्हें बहुत पसंद थी ना, चलो दाग तो धुल जाएगा मगर इसमें पहले जैसी बात कहाँ रहेगी? तुम तो एकदम सीरियस हो गए, क्या हुआ बोलो ना। बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया क्या? बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम, देखो मैंने तुम्हें कसम दी है। शानू, बहुत शौक से एक बाग लिया था, यह समझ करके वो अछूता है, बाग बनते ही माली सबसे पहले हमारे हवाले कर गया, लेकिन आज पता चला कि हमसे बहुत पहले कोई और भी उस बाग से गुजर चुका है। बस इतनी सी बात पर? अरे अभी तो बाग तुम्हारा है ना, बस ये टाई भी हमारी है, अपनी मर्जी से अपनी पसंद से अपने गले बांधी थी, लेकिन अब इस पर दाग लग गया है, अब इसमें वो बात कहां है ना। मिस्टर अवतार, आई एम इंस्पेक्टर पवार। यस, मरुम गुंडप्पा स्वामी जो एक एक्सीडेंट में मारा गया था, हमें एक कागजात वहां से बरामद हुए जो आपकी पत्नी संगीता जी की जमीन और टिम्बर एस्टेट के। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट। संगीता की जमीन गुंडप्पा स्वामी के नाम। आप आ गए, आज आपका जन्मदिन है और आज खुशी के दिन भी इतना लेट हो गए। चलिए चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हर मेहमान की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, अवतार सब कहाँ है, अवतार सब कहाँ है। कल शाम कहाँ गए थे तुम? कल शाम आपके कोट की डिलीवरी लेने गई थी, उसके बाद केक लेने। इसके अलावा और कहाँ गई थी तुम? आज के लिए सूट ठीक रहेगा ना? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, कल शाम कहाँ गई थी तुम? मैं कहाँ जा सकती हूँ, आज आपका अचानक क्या हो गया है, क्यों शक भरे सवाल कर रही हो मुझसे? क्योंकि अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। कहना क्या चाहते हो तुम? अब कहने को रखा ही क्या है, ये सिंदूर या मंगलसूत्र ये सब ढोंग है। नहीं, कैसे बेवड़ी बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तो फिर ये सब क्या है, क्या ये? क्यों आप खुद के चेहरे पर हजारों सवाल खड़े हो गए, किस सवाल का क्या जवाब दूं? कैसे सवाल, कैसे जवाब, क्या कह रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बताओ, जिस जमीन और फैक्ट्री को बचाने की तुमने इतनी कोशिश की, वो इतनी आसानी से सब कुछ तुमने गुंडप्पा स्वामी के नाम कैसे कर दिया? बोलो जवाब दो। तुम्हारे सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे छुपाना तुमने अपना धर्म समझा, आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? मेरा ऐसा कोई राज नहीं, कोई राज नहीं। झूठ बोलती हो तुम। हाँ हाँ झूठ बोलती हूँ,
अगर तुम सच सुनोगे तो क्या होगा? यही ना कि मैं जान जाऊंगा जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, उसका चाहने वाला कोई और है? दिन मुबारक हो दोस्त। अरे कमाल है, नीचे सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। चल जा, जल्दी से तैयार हो। संगीता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान भी आएगा। तूफान तो उस दिन आएगा जिस दिन अवतार को इस बात का पता चल जाएगा कि संगीता जिसे प्यार किया करती थी वो कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त राम है। आ गया, बड़े गजब का शेर था। लेकिन अवतार साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शोहरत और किस्मत सबने ही वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर। किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं। भगवान मेरे सिंदूर को पाप के नाम से बचा ले, मेरे पति के मन में उठने वाले इन तूफानों को शांत कर दे, मेरे घर को उजड़ने से बचा ले। ये प्रार्थना तो उनको करनी चाहिए जो बसे बसाए उजड़ गए। जिंदगी इतनी बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अवतार, तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है। गलत क्या, सही क्या, मैं अच्छी तरह समझता हूँ संगीता। संगीता, तुमने मुझे अपनी शान से संगीता बना दिया। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और मरते तब तक तुम्हारी ही रहूंगी, और जब तक जीऊंगी एक पत्नी का धर्म निभाते ही रहूंगी। कल लगने वाले इस फूल की ताजगी कुछ और थी, आज ना इसमें वो ताजगी है ना पहले वाली वो खुशबू। इस फूल की ताजगी भी वही है, खुशबू भी वही है, बस तेरे सूंघने का अंदाज बदल गया है। मेरा अंदाज क्या, लोगों का तो ईमान तक बदल गया। रोमन सविता, ये तकदीर का कैसे इम्तिहान है, ये तुम्हारी कुर्बानी का कैसे सिला है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरा गला घोट रहा है। ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ,
होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर अब उसे बर्दाश्त करना होगा, सच्चाई का वो कड़वा जहर पीना होगा उसे, जो आज तक तुम्हारे इन आंसू में बहता रहा है। नहीं राम, नहीं, भगवान के लिए मत करना, ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे ये सदमा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारा ये हाल बर्दाश्त नहीं होता। अवतार, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। धोबी कैसा दोस्त है यार, ये तो आज मुझे इत्तेफाक से पता चला कि ये सारी जायदाद और तूने अपना ढेर सारा रुपया मेरे नाम कर दिया। मेरी चाहते पूरी करने के लिए जिंदगी भर तू मुझे देता ही आ रहा है। काश मेरे पास तेरी पसंद की कोई ऐसी चीज होती जो मैं तुझे दे सकता दोस्त, तुझे। अरे हाँ, तू मुझसे कुछ कहने आया था ना? कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। इस बोतल में कोई जहर मिला क्यों नहीं देता? एक ठोकर से मुझे जिंदगी भर इसी तरह अपनी बाहों में रखना। उसके पास तो है मगर साथ नहीं। साथ छूटे और खाई हुई कसमें टूटे तो जमाना हो गया संगीता जी, अब तो सिर्फ ये सांस टूटना बाकी है। नहीं। फिर तुम भी आजाद और हम भी आजाद। ये तुम्हें क्या हो गया अवतार, क्यों बहके बहके बातें कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो, बोलो, जवाब दो। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूँ संगीता जी, जो हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। मैं उस इंसान की शक्ल देखना चाहता हूं जो हमारी इस बर्बादी का तमाशा देख रहा है, और तुम बनी बैठी हो शक्ल को छुपाने वाला पर्दा। कौन है वो, आखिर कौन है वो जिसकी जान तुम्हें मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है? जब तक मैं असलियत नहीं जान लेता, ये बोतल मेरे हाथ से छूटेगी नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? राम। संगीता, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताओ, कुछ भी करो राम, मेरे पति को बचा लो, वरना वो शक और नफरत की आग में खुद को मिटा देंगे। अब शराब उनके लिए जहर बन चुकी है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। मुझे मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। प्लीज, प्लीज हेल्प मी। Thank you.
अवतार क्यों बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी, क्यों जुल्म कर रहा है इस बेचारी पर? जुल्म, जुल्म मैं नहीं मेरे दोस्त, जुल्म तो ये बेचारी कर रही है मुझ पर। आज तक मैं तुमसे छुपाता रहा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। ये औरत नहीं, औरत के भेष में एक नागिन है। होठों पर मेरा नाम, लेकिन दिल की धड़कनों में किसी और का नाम लेकर जीती रही है ये। ये पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में कलंक की बस कर अवतार, बस कर। अरे कैसे बस करूं मैं? क्यों नहीं बताती मुझे उस आदमी का नाम जिसके साथ कभी इसका कोई रिश्ता था? पूछ इससे, पूछ इससे, कौन है वो? तू जानना चाहता है ना उस आदमी का नाम? कौन है वो? वो कोई गैर नहीं, तेरा अपना दोस्त है वो। हाँ अवतार, वो मैं हूं, मैं। झूठ है मेरे दोस्त, यह झूठ है, यह झूठ है। नहीं, यह झूठ नहीं दोस्त, यह वो सच है जिसे कहने की आज तक मुझ में हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सुनने की ताकत नहीं है। मैंने भी संगीता के साथ जीने और मरने के ख्वाब देखे थे, कस्में खाई थी हमने, मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि तू भी उसी संगीता से मोहब्बत कर बैठा है, उस संगीता से जिसके बगैर मैं एक पल भी जी नहीं सकता। मगर जब मुझे तेरी मोहब्बत का पता चला, मेरे प्यार की पूजा दम तोड़ गई, मेरे प्रेम का मंदिर टूटकर बिखर गया, तड़पता रह गया मैं तेरी दोस्ती के आगे। हाँ, मैंने धोखेबाजी की है, मैंने धोखेबाजी की है, मगर तेरे साथ नहीं दोस्त, इस संगीता की मोहब्बत के साथ। ऐसा बलिदान कर दिया तूने मेरे दोस्त, ये तूने क्या कर दिया? तू तो सारी जिंदगी मुझे देता ही आ रहा है, अपना धन, अपनी दौलत, सब कुछ तो दे दिया मुझे, यहां तक कि बचपन में अपनी मनपसंद साइकिल भी। अरे साइकिल तो बाजार में हजारों मिल सकती थी, लेकिन संगीता तो सिर्फ एक थी, सिर्फ एक। कसूर तेरा नहीं है मेरे दोस्त, कसूरवार मैं हूं। तुम दोनों के बीच दीवार बनने वाला मैं हूं। अरे मैं दोस्त कहां, मैं तो एक लुटेरा हूं, दोस्त की मोहब्बत को छीनने वाला एक डाकू हूं। मगर अब मेरे पाप के प्रायश्चित का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो प्यार करने वाले दिलों को फिर से मिला दूं। खबरदार अवतार, मैं तुम्हारे पैरों में अपना दम तोड़ दूंगी, जो जो एक रोज भी आगे कहा तो। कैसे पति हो तुम, भूल गए अग्नि पर खाई हुई उन कसमों को, किस मंगलसूत्र को, मांग में भरे हुए सिंदूर को, तमाम मंत्र भूलकर दोस्ती का मंत्र पढ़ने लगे। जीवन पतन न हुआ, क्यों ना हो गया? इनका दिल चाहा तो इन्होंने अपनी दोस्ती के नाम पर मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। जब उस बलिदान का एहसास तुम्हें हुआ, तो तुमने अपनी दोस्ती के नाम पर उससे भी बड़ा बलिदान करने को तैयार हो गए। कैसा बलिदान? मैं तो अपने दोस्त का छीना हुआ प्यार उसे लौटा रहा हूँ। नहीं अवतार, नहीं, ऐसा मत कहो। यह सच है कि हमने प्यार किया था, मगर प्यार एक जज्बात है जो किया नहीं जाता, इत्तफाक से हो जाता है। मगर शादी तो कभी ना टूटने वाला एक बंधन है, एक हकीकत है कि वो रिश्ता है जो सांस टूटने के बाद ही टूटता है। तुम ठीक कहती हो संगीता, बिल्कुल ठीक। अब ना सांस रहेगी
मैं ये बंदर। डॉक्टर, ये पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कैसे हैं मेरे पति? ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि जहर तुम्हारे पति के खून में फैल गया। नहीं डॉक्टर साहब, कैसे भी मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। उनको बचाने के लिए उनके शरीर का पूरा खून बदलना पड़ेगा और वो ब्लड ग्रुप हमारे पास। डॉक्टर साहब, अवतार और मेरे ब्लड का ग्रुप एक ही है, जिस्म से खून की एक एक बूंद निचोड़ लो, रफ्तार को बचा लो। डॉक्टर को और खून की जरूरत नहीं है? जरूरत तो है, लेकिन मैं और खून नहीं ले सकता। क्यों? इससे तुम्हारी जान को खतरा है। पर डॉक्टर, जब तक आपको कहीं से खून नहीं मिलता, तब तक थोड़ा थोड़ा मेरा खून देते रहिए ना प्लीज डॉक्टर। बस इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान मालिक है। हेलो, नेशनल हॉस्पिटल, आपके पास आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है? नहीं है? क्या हॉस्पिटल, आपके पास आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है? क्या आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप कहीं अवेलेबल नहीं? ओह माय गॉड, मैडम आपके पति होश में आ गए। मुझे क्यों बचा? मुझे मर जाने दो। कैसी बात कर रहे हो तुम? एक इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपने शरीर के खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया और तुम हो कि जीना नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इस वक्त तुम्हारा दोस्त अपनी जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियां गिन रहा है। डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। कहां है वो डॉक्टर साहब? डॉक्टर राम किस रूम में? डॉक्टर, तुम इस हालत में यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम किस रूम में है? उधर इंटेंसिव केयर में।
डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, अपने हाथों खुद इसने अपनी जान ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। राम, तूने क्या किया राम? कैसी दोस्ती निभाई तूने अपने खून के कतरों से? अपनी जिंदगी मुझे दे दी, ऐसा नहीं हो सकता राम, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे कुछ देना चाहता था ना?